आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। बहन बोली, मेरे भाई की हत्या हुई है और कोतवाल साहब मामले को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी खबर जनपद भदोही के सरपताहा स्थित पुलिस अधीक्षक ऑफिस से है, जहां सोमवार 18 अक्टूबर 2021 को जिला मुख्यालय पहुंची चांद तारा पत्नी इकबाल अहमद निवासिनी हिम्मतपुर बकुचिया थाना भदोही जनपद भदोही नामक महिला ने आरोप लगाया कि मेरा भाई रहमुद्दीन उर्फ बेचू गांव में ही अपने ससुराल बुद्धू पुत्र अज्ञात व रोजी पुत्री बुद्धू पत्नी रहमुद्दीन उर्फ बेचू व साफिया पत्नी बुद्धू व लल्ला पुत्र बुद्धू व कुत्तुर पुत्र बुद्धू निवासीगण हिम्मतपुर बकुचिया थाना भदोही जनपद भदोही में विगत एक माह से रह रहे थे। हमारे भाई रहमुद्दीन उर्फ बेचू की पत्नी रोजी के नाम से सरकारी आवास का पैसा 2 लाख रुपए आया था। मेरे भाई रहमुद्दीन के कहने पर भी मेरे भाई की पत्नी रोजी आवास बनाने के लिए तैयार नहीं थी और आवास का आया कुछ रुपया लगभग 60,000 रुपये आवास हेतु खर्च करके बाकी रुपया अपने भाई और पिता को दे दी थी। और जब मेरा भाई अपनी पत्नी से शेष रुपया आवास का किसको दिया पूछने पर मेरी भाभी ने तरह तरह का बहाना बनाया और मेरे भाई को अपने मायके बुलाकर उसको जान से मारने के लिए षड्यंत्र कर डाला। 8 अक्टूबर 2021 को रात 11 बजे उपरोक्त लोगों अर्थात ससुर बुद्धू व रोजी पत्नी बुद्धू पत्नी रहमुद्दीन उर्फ बेचू व सास साफिया पत्नी बुद्धू व लल्ला पुत्र बुद्धू व कुत्तुर पुत्र बुद्धू निवासी गण हिम्मतपुर बकुचिया आदि द्वारा मेरे भाई रहमुद्दीन उर्फ बेचू को पूरी तरह से मार पीट कर गंभीर रूप से सर पर चोट पहुंचा कर इंटरलॉकिंग रोड पर जान से मारने के उद्देश्य से सड़क पर फेंक दिया गया। प्रार्थनी चांद तारा पत्नी इकबाल निवासी हिम्मतपुर बकुचिया करीब 11 बजे सूचना मिली कि तुम्हारे भाई को ससुराल वाले मारपीट कर सड़क पर फेंक दिए हैं। चांद तारा सूचना पाकर रोती बिलखती मौके पर पहुंची तो उसके कथनानुसार उसका भाई खून से लहूलुहान घायल अवस्था में तड़प रहा था। उसने अपने भाई से पूछा कि क्या हुआ तो उसने तड़पते हुए और कराहते हुए बताया कि मेरी पत्नी सास ससुर व दोनों सालों द्वारा मुझे मार कर सड़क पर फेंक दिया गया है। उपरोक्त सभी लोग तथ्य छिपाने के उद्देश्य से सड़क पर लगा खून धो रहे थे। जब मैंने चिल्लाना शुरू किया तो मेरे भाई के ससुर मेरे भाई को टेम्पो में लादकर महाराजा बलवंत सिंह राजकीय चिकित्सालय ले आए, जहां कुछ देर बाद मेरे भाई की मौत हो गई। मेरे भाई का पोस्टमार्टम 9 अक्टूबर 2021 को ज्ञानपुर जिला चिकित्सालय में कराया गया। 9 अक्टूबर को जब उक्त घटना के संबंध में मैं प्राथमिकी लिखवाने कोतवाली भदोही पर पहुंची तो प्राथमिकी दर्ज करने की बजाय मुझे वहां से धक्का मारकर भगा दिया गया। प्रार्थनी ने कहा कि मेरे भाई के सिर में गंभीर चोट आई थी, अतः प्रशासन से यही मांग है कि मामले की उचित जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ न्यायपूर्वक कार्रवाई कर हमें न्याय दिलाएं। प्रार्थनी ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि मामले की उचित जांच करवाकर दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। भदोही से हम बोल रहे हैं, मेरे भाई को मार के फेंका गया था। गांव वाले ने हमको बताया, पहले हम पहुंचे भाई के, जब पहुंचे तो मेरे भाई को खून धुल रहे थे, कपड़ा उतार रहे थे। मैंने बोला मेरे भाई को जान है, आप लोग लेके चलिए। मैंने अपने भाई को उठाया, उन्होंने से बोले गांव वाले कि अगर नहीं लेके जाओगे पुलिस वालों को बुलाएंगे। उन्होंने उठाया, हम भी साथ में गए। भैया से पूछे, भैया कैसे गिरे, तू क्यों गिरा, क्या हुआ? बोला बहन हमको मार के फेंका गया। 5 लोग को बताया, हाथ उठा के बताया। मेरा भैया थाने में पहुँचे, मेरा भैया सांस चल रहा था, बोली बंद हो गई। डॉक्टरी माना होतरा सांस चल रहा था, उसका टाका चल रहा था, डॉक्टर लोग टाका चला रहे थे, फिर भी सांस था। आधे घंटे बाद मर गया मेरा भाई, 1 घंटा जिंदा था। क्या चाहते? हम चाहते हैं, हमको इंसाफ चाहिए। हम इंसाफ मांग रहे अपने भाई के लिए। हम अपने आँख से देखे हैं, पुलिस वाले ने 8 तारीख से हमको हमारा सुनाई नहीं, हमको धक्का मार मार भगा रहे हैं। पुलिस वाले ने हमारा सुनाई नहीं करे, इसलिए हम यहाँ आए हैं। बस लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे।
आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।